तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ को याद करने के लिए मैं निकोला टेस्ला की याद करने की टेक्निक से बहुत ही इंस्पायर। उस टेक्निक की वजह से निकोला टेस्ला कभी भी किसी भी प्रयोग में पेन कापी नहीं उठाते थे। वे किसी भी प्रयोग को सक्सेस करने के लिए अपने ब्रेन में ही सारी चीज़ें बना लेते थे और उस प्रयोग को पूरी तरह सक्सेस कर देते। तो गाइस, वो जिस टेक्निक का यूज़ करते थे उस टेक्निक का नाम है फोटोग्राफिक मेमोरी। इस टेक्निक की वजह से वो किसी भी चीज़ या किसी भी टॉपिक को याद करते थे तो वो कभी भी उनको नहीं भूलता था, उसकी इमेज उनके ब्रेन में बन जाती थी। अब फोटोग्राफिक मेमोरी कहने का मतलब ये कि वे जिस भी टॉपिक को पढ़ते या बोलते थे तो उसकी एक इमेज अपने दिमाग में बना लेते थे। अब मान लो हमें एप्पल याद करना है, तो एप्पल के साथ APPLE, एप्पल मीन सेब तो होता ही है। अब एप्पल का मतलब सेब तो होता, अब एप्पल का इमेज भी अपने ब्रेन में हम बना लें। अब किसी भी टॉपिक को याद करो और उसके साथ उससे मिलता जुलता, उससे रिलेटेड कोई ना कोई इमेज अपने ब्रेन में ज़रूर बना लो। इस तरह आप याद करेंगे तो आपका ब्रेन जो है बिल्कुल शार्प हो जाएगा और जो चीज़ें हैं वो हमेशा याद रहने लगेंगी। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका ब्रेन बिल्कुल शार्प हो जाएगा। अब हम लोग कहीं भी मूवी या कोई भी स्टोरी देख हैं तो उसकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी हमारे ब्रेन में बन जाती है, जिस वजह से वो मूवी या स्टोरी हमें हमेशा याद रहती। उस मूवी की कोई बात करता है तो उसकी इमेज हमारे ब्रेन में पहले आ जाता, हाँ मैंने ये चीज देखा। इसलिए यदि आप ऐसे याद करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ब्रेन बहुत ही शार्प हो जाएगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।